रिपीटेशन सर अलाउड। हेलो दोस्तों, मैं हूं गजाल अंसारी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। बिहार में बीएड पास प्राथमिक शिक्षकों को पटना हाई कोर्ट का रिजर्व जजमेंट आ चुका है। हाई कोर्ट के फैसले ने 22,000 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने पहली क्लास से लेकर पांचवी क्लास तक के नियोजित बीएड पास शिक्षकों को अयोग्य करार कर दिया है। इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति छठे चरण के तहत की गई थी। इस फैसले को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सुनाया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम बंधे हुए हैं, इसका पालन राज्य सरकार को भी करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने क्लास पहली से लेकर पांचवी तक की शिक्षक नियुक्ति के मामले में स्पष्ट फैसला सुनाया है। रिपीटेशन सर अलाउड विद द रिक्वेस्टेड ऑब्जर्वेशंस। बी एड डिस्क्वालिफाइड। ऐसे में बीएड पास उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है। पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता अभिनव ने इस मामले में कहा है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि जो लोग डीएलएड पास होंगे वही प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। सरकार ने पहले इन्हें प्राथमिकता देने की बात कही थी। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि छठे चरण में सरकार ने क्लासेस 1 से लेकर 5 तक के बीएड पास शिक्षकों की जो नियुक्ति की थी उसे रद्द करना होगा। उन नियुक्तियों को लेकर भी एक बार फिर से नियुक्तियां भरी जाएंगी। वहीं प्राथमिक शिक्षकों का कहना है कि अभी ऑर्डर शीट आई नहीं है, केवल अफवाह उड़ाई गई है। साल 2022 में छठे चरण में कुल 42,000 नियोजित शिक्षक बहाल किए गए थे। इसमें 22,000 नियोजित शिक्षक 1 से 5 वर्ग तक के लिए बहाल हुए थे। नियोजित शिक्षकों का सरकार की ओर से बहाली के 2 साल के बाद ब्रिज कोर्स करवाना था। बिहार सरकार ने अब तक ये कोर्स नहीं कराया है। सरकार को ये कोर्स नियुक्ति के 2 साल के अंदर ही करवाना था। कोर्ट के इस फैसले से बीएड डिग्री धारक नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। करीब 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को इस फैसले से अब नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।